Hello student, welcome to online class. I am going to teach you geography of class 7, 8, 9 and 10. My topic is soil. First of all, I will discuss what is soil, yeah, importance of soil. Soil is form of the upper layer of the crust. कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ. अर्थ का जो क्रस्ट, जो हम लोग कहते हैं अर्थ का जो बाहरी पार्ट है, उस क्रस्ट पार्ट पर ही सॉइल बनती है. इट इज मेड ऑफ द लूज रॉक्स एंड मेटेरियल्स एंड मॉस. सॉइल्स का जो निर्माण होता है उसमें रॉक्स एंड बहुत सारे ऐसे जीवाश्म जिसको बोलते हैं एनिमल्स हो या पेड़ पौधे के सड़ने गड़ने से भी सॉइल का निर्माण होता है. तो इम्पोर्टेंट ऑफ द सॉइल, क्योंकि इसी पर लाइफ डिपेंड करती है. देयर आर एट टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया एंड फोर सॉइल आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड सम पॉइंट आई विल डिस्कस. Soil Research Center is located in New Delhi. मिट्टी अनुसंधान केंद्र जो भारत का है वह न्यू दिल्ली में स्थित है. Soil Research Center के अनुसार इंडिया में eight types के soil, there are eight types of soil found in India, of which four types या four important और eight types के soil होते हैं, but four जो types के soil काफी important होते हैं. First I will discuss eight types of soil. Alluvial soil. Alluvial soil is इसे जलोढ़ मिट्टी भी हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं. Black soil. Black soil इसे काली मिट्टी कहा जाता है. Red soil. Red soil लाल मिट्टी इसको कहते हैं. Laterite soil. Laterite soil कहा जाता है. Desert soil मरुस्थलीय मिट्टी कहा जाता है. Alkaline soil. Peat soil and porous soil. There are eight types of soil. So today I will discuss only four types of soil: alluvial soil, black soil, red soil, and laterite soil. First, alluvial soil. Alluvial soil is very important. Important and wide spread category. It cover of 40% land area. हमारे देश में टोटल का 40% लैंड एरिया में अलुवियल सॉइल पाया जाता है. अलुवियल सॉइल को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं. जलोढ़ मिट्टी का निर्माण रिवर के द्वारा लाए गए मलबे से होते हैं. तो इंडिया में जिन जिन क्षेत्रों में या वर्ल्ड में जिन जिन क्षेत्रों में रिवर के आसपास के कहा जाता है कि एरिया में एलुवियल सॉइल काफी पाए जाते हैं. इंडिया में लार्ज पैमाने में गंगा ब्रह्मपुत्र जो नॉर्दर्न प्लेन हम कह सकते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन में सबसे अधिक सॉइल पाए जाते हैं. टोटल 22% एंड हम लोग कह सकते हैं इसको सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी एंड इन सभी के ट्रिब्यूटरी रिवर जो होते हैं, ट्रिब्यूटरी रिवर्स में सहायक नदियां होती हैं. तो ये सहायक नदियां के आसपास के क्षेत्रों में ही एलुवियल सॉइल पाया जाता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल. फर्स्ट न्यू एलुवियल सॉइल इज कॉल्ड हार्डर एंड न्यू एलुवियल सॉइल. न्यू एलुवियल सॉइल इज हार्डर एंड ओल्ड एलुवियल सॉइल इज कॉल्ड बांगर. जब फर्स्ट पानी का फ्लो, जब फ्लड आता है तो उसमें से बहुत सारे नदी के द्वारा जो मलबे लाए जाते हैं वो जमीन की ऊपरी सतह पर छोड़ देते हैं और उससे जो सॉइल का निर्माण होता है उसे हम लोग न्यू एलुवियल सॉइल बोलते हैं. और न्यू एलुवियल सॉइल को खादर कहा जाता है एंड ओल्ड एलुवियल सॉइल को आपको बांगर कहा जाता है. और इन नॉर्दर्न प्लेन में इसका सबसे लार्ज एरिया होता है एंड जितने भी ट्रिब्यूटरी रिवर या मेन रिवर है उस आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक सॉइल पाया जाता है. क्रॉप्स, जो क्रॉप्स मीन्स होता है
किस प्रकार की एग्रीकल्चर होते हैं, इसमें रबी एंड खरीफ फसल के लिए काफी इंपोर्टेंट है। रबी एंड खरीफ मैक्सिमम कहा जाता है कि आपको राइस, वीट का एग्रीकल्चर, मेज, ये सब बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। अल्बेंस रबी एंड खरीफ स्वर जो जैन ग्रुप होते हैं वो पाए जाते हैं। सेकेंड ब्लैक स्वर, ब्लैक स्वाइन इज कॉल्ड रेपुर स्वाइन, ब्लैक स्वाइन को रेपुर स्वाइन भी कहा जाता है। ब्लैक स्वाइन का जो निर्माण होता है, दिस स्वाइन आर ऑफ वेल्कनो ऑर्डर, यानी वेल्कनो मीन्स ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के उद्गार से ब्लैक स्वाइन का निर्माण होता है। इंडिया का जो डक्कन ट्रेस है वो वेल्कनो के द्वारा फॉन्ड हुआ था, उत्पत्ति हुई थी, और डक्कन ट्रेस महाराष्ट्र में, एंड बेसाल्ट रॉक, डक्कन जो ट्रैप बना हुआ है वो बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है, बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है। एंड बेसाल्ट चट्टान की कहा जाता है कि वो केमिकल एंड फिजिकल थ्योरी के द्वारा जो टूटता है तो एक सॉइल में कन्वर्ट होता है, उसी को एक ब्लैक सॉइल कहा जाता है, और इसे रेगुल सॉइल भी कहते हैं। तो वेल्केनो से डक्कन सॉइल, तो डक्कन के आसपास के एरिया का जो क्षेत्र है उनमें सबसे अधिक, तो लार्ज पैमाने में सबसे ब्लैक सॉइल जो है महाराष्ट्र है, इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, ये सब स्टेट में ब्लैक सॉइल की प्रधानता है, सबसे लार्ज पैमाने में ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं। एंथ्रोक्स में सबसे अधिक कॉटन, ब्लैक सॉइल कॉटन सबसे लार्ज पैमाने में इसका प्रोडक्शन होता है। कॉटन, व्हीट, ज्वार एंड फ्रूट्स की एग्रीकल्चर लार्ज पैमाने पर किए जाते हैं कॉटन ब्लैक सॉइल के लिए। इसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, कॉटन व्हाइट गोल्ड, उजला सोना, कॉटन का एग्रीकल्चर लार्ज पैमाने ब्लैक सॉइल के लिए कॉटन है। थर्ड रेड सॉइल, रेड सॉइल टू वर्ल्ड के जिस एरिया में, नॉट इंडिया, जिस एरिया में आयरन ऑक्साइड रॉक्स में काफ़ी परसेंटेज होंगे उस एरिया में आपको रेड सॉइल पाया जाएगा। तो इंडिया में रेड सॉइल आयरन ऑक्साइड रॉक्स में ही कहा जाता है, पाए जाते हैं। छोटा नागपुर का एरिया, प्लेटू महादेव का सर जिसको झारखंड होते हैं, छोटा नागपुर एंड ईस्ट एंड वेस्ट छोटा नागपुर एरिया में, ओडिशा, तमिलनाडु, नीलगिरी, ये सब एरिया में रेड सॉइल पाए जाते हैं। एंड लार्ज पैमाने में सबसे अधिक तमिलनाडु, तमिलनाडु में रेड सॉइल सबसे लार्ज पैमाने में पाए जाते हैं। एंड क्रॉप्स ग्रोन में वीट, राइस, पल्स एंड मिलेट्स, मीन्स होता है बाजरा, बाजरा की एग्रीकल्चर सबसे लार्ज पैमाने में, पल्स का भी रेड सॉइल, रेड सॉइल छोटा नागपुर का प्लेटू एरिया, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड नीलगिरी एरिया। एंड फोर्थ लैटेराइट सॉइल, लैटेराइट सॉइल हाईएस्ट टेम्परेचर एंड ड्राई एंड वेट एरिया, जो एक हम कह सकते हैं मॉडरेट क्लाइमेट जिस एरिया को, उस एरिया में लैटेराइट सॉइल है। इंडिया में नॉर्थ ईस्ट स्टेट और साउथ इंडिया का, साउथ इंडिया का एरिया में लैटेराइट सॉइल काफी बड़े पैमाने पर पाया जाता है। एंड क्रूप्स में टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी की सबसे लार्ज पैमाने पर लैटेराइट सॉइल की एग्रीकल्चर किया जाता है। सो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सॉइल। थैंक यू एंड